फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसे जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए किचन टिप्स लाई हूँ, और मैं आज मिल्क से रिलेटेड टिप्स है मेरा। और क्या होता है कि हम मिल्क का ही यूज़ ज़्यादा किचन में करते हैं, तो हमें अपने मिल्क को किस तरह से सेव करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, वो मैं टिप्स दूंगी। फर्स्ट टिप्स में ये मैं बताऊंगी कि हम अपने मिल्क को किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है मिल्क। मिल्क को गर्म करते समय अगर 1 स्पून हम अगर शुगर ऐड कर देते हैं, और कहीं हमें बाहर जाना है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो हम फ्रिज में ठंडा करके रख के जाते हैं, तो वो अच्छा रहता है, स्मेल नहीं आएगी। टिप नंबर 2 में है कि अगर कभी अभी गर्मियां हैं तो क्या होता है कि लाइट चली जाती है तो हमारे मिल्क ख़राब होने के चांस होते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक थाली में पानी लेना है और उसके अंदर हमें दूध का भगोना रख देना है, तो फटेगा नहीं। तो टिप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी, कभी क्या होता है कि हम दूध रख देते हैं गैस पे और फिर हम काम में लग जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने दूध रखा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए उसके लिए कि हमें एक लकड़ी का आता है स्पून बड़ा सा, तो उसको हम अगर भगोने के ऊपर रख देते हैं तो इस तरह से आप देखा आपने कि दूध ऊपर आया और वहाँ से टच होके नीचे चला गया। तो अगर इस तरह से हम रख देते हैं इस चमचे को, तो फिर हमारा दूध कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, बस जब भी टच करेगा तो वापस वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से हम दूध को उबलने से बचा सकते हैं। टिप नंबर 4 है फ्रेंड्स कि अगर हम कभी भी खीर बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं, अगर वो गाढ़ा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये साबूदाने का खीर है और ये गाढ़ा हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक बाउल में अलग से मिल्क लेना है, उसको अच्छे से बॉयल करना है, उसके अंदर हमें शुगर ऐड कर देना है। और ये मिल्क लिया है मैंने, इसके अंदर शुगर ऐड करके गर्म कर लिया है। अब इस मिल्क को हम इसके अंदर मिला देंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे खीर का टेस्ट भी बरकरार रहता है और हमारी खीर जो है वो भी अच्छी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हो गया है हमारा ये साबूदाने की खीर, क्योंकि वो काफ़ी थिक हो गया था। तो इस तरह से आप अपने साबूदाने खीर को भी अच्छा कर सकते हैं इस टिप्स के साथ। टिप नंबर फाइव में मैं आपको बताऊंगी कि अगर मिल्क हम कभी रख के भूल जाते हैं और वो जल जाता है और उसमें एक जलने की स्मेल आने लगती है, तो आप उसके अंदर इलायची कूट के डाल दीजिए, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दीजिए, स्मेल चली जाएगी। टिप नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है कभी कभी कि हमारे जो दूध गर्म करते हैं तो जो तली होती है उसमें काफ़ी सारा दूध जम जाता है इस टाइप से। तो कभी क्या होता है कि ये नीचे अगर ज़्यादा देर रहा तो फिर वो जलने की एक स्मेल आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक भगोना लेना है, उसके अंदर थोड़ा हमें पानी ऐड करना है। पहले पानी ऐड करने के बाद फिर अगर हम उसके अंदर मिल्क को डालते हैं तो हमारा जो भगोने में मिल्क नीचे तली में बैठता नहीं है, लगता नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि बिल्कुल तले में थोड़ा बहुत लग सकता है, लेकिन जैसे पहले मैंने दिखाया था उस तरह से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सारे दूध को डाल दूँगी और दूध को गर्म कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने सारा दूध यूज कर लिया है, उसके बाद जो नीचे का लास्ट का बचा था तो मैं ये ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना कम लगा हुआ है नीचे तली में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। टिप नंबर 7 में मैं आपको बताने वाली हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारा दूध लगता है कि ख़राब होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका पनीर बना लेना चाहिए। पनीर बनाने के लिए हमको इसको बॉईल कर लेना है अच्छे से, फिर हमें उसमें लेमन का जूस डालना है। अगर लेमन का जूस नहीं हो तो आप विनेगर से फाड़ सकते हैं, अगर विनेगर भी नहीं हो तो आप कर्ड से फाड़ सकते हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरह से हम मिल्क को अच्छे से उसमें डाल के और उसको हम फाड़ लेंगे। इसका फुल रेसिपी देखने के लिए मैं दूसरा वीडियो डालूंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बस बताया है। तो यहाँ देख सकते हैं पनीर अच्छे से बन गया है, और ये मैंने घर पे ही पनीर बनाया है इसी से। तो इसका फुल रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ज़रूर काम आएंगे। तो अगर आपको पसंद आते हैं लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू रेसिपी और नोटिफिकेशन मिले। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।